मजा आज मुझे सोच सोच के मजा आ रहा है क्योंकि पिछले एपिसोड मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैं जहां भी जाता हूँ शोज करने, मतलब कोई एयरपोर्ट में जा रहा हूँ तो एक बुढ़ी औरत है, आपने कपिल के शो में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्लीज दादा, थैंक यू थैंक यू। हाजिर जवाबी देख रहे हैं आप। ये जो विटीनेस है, ये किशोरदा का भी अंदाज यही था। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा दुर्भाग्य कह लें कि हमारी कभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने देखा आप में ना बचपना बड़ा है, कि ये छोटी छोटी हरकतें करते रहते ना, मजा आता है देख के। अंदर का जो बच्चा है वो जिंदा रहना चाहिए, तो किशोरदा के बारे में भी हम यही सुनते हैं। तो वो तो जब जवान थे तब बच्चों वाली हरकतें करते थे, जब वो बच्चे थे तब कैसे बच्चे थे, मतलब पढ़ाई वढ़ाई में अच्छे थे किशोरदा? नॉट रियली। अच्छा, मैथ्स में एकदम गड़बड़ थे मैथ्स में। अच्छा। लेकिन कॉलेज के जमाने में संगीत तो उनका बचपन से, जैसा कि मुझे बताते थे जी कि उनके गुरु थे सैगल साहब, सैगल साहब को अच्छा। फॉलो करते थे, उन्हीं से जो भी सीखा उन्हीं से सीखा। और जब इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज 1945 में जब भर्ती हुए वहाँ पे जी, तो उस वक्त सैगल साहब के सब गाने उनको बाय हार्ट थे। अच्छा जी। तो एक बार मुझे उन्होंने कहा था कि ही टुक सिविक्स इकोनॉमिक्स कॉलेज में, तो वो मैल्थ्यूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स में है, तो वो उनके दिमाग में घुस नहीं रहा था। मैल्थ्यूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस फास्टर देन मींस ऑफ सब्सिस्टेंस अनलेस प्रिवेंटेड बाय पावरफुल चेक्स। अभी ये नहीं, नहीं, ये उनके दिमाग में नहीं आ रहा था। अच्छा। ये पता नहीं, तो फिर उन्होंने वहां एक ट्यून बना लिया, मैल्थ्यूसियन थ्योरी। जस्ट इमेजिन ये चल रहा है, एग्जामिनेशन चल रहा है, मैल्थ्यूसियन थ्योरी, मैल्थ्यूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, मैल्थ्यूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस फास्टर देन मींस ऑफ सब्सिस्टेंस, मींस ऑफ सब्सिस्टेंस अनलेस प्रिवेंटेड बाय पावरफुल चेक्स, मैल्थ्यूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस इंक्रीजेस। अभी थैंक यू, अभी पूरे क्लास सब गाना शुरू कर दिया। मैल्थ्यूसियन थ्योरी जाओ तो प्रिंसिपल आ गए, क्या हो रहा है यहाँ पे बदतमीजी, ये क्या है, ये मच्छी बना रहे क्या? तो एक ने बोला नहीं, किशोर ने हमको सिखाया ये सर, अच्छा लग रहा है। मैं अभी क्या क्या सिखाया, The exam is going on, what are you doing? No, उन्होंने सिखाया हमको, इजी हो गया, मुझे भी सिखाओ। तो प्रिंसिपल को भी सिखाओ, प्रिंसिपल मैल्थ्यूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। पन्ना दादा, ये बात आपने मजाक में कही, लेकिन ये ना मैं अपने एजुकेशन सिस्टम में अगर एक दो चीजें ऐसी ऐड हो जाएं, पर ये अच्छा आइडिया दादा, बहुत अच्छा। ये म्यूजिकल तरीके से जिनका इंटरेस्ट हो, करेक्ट। वो उसी कॉलेज में वो अच्छा ही, मैं ऐसे बता रहा हूँ पिताजी के जो खूबियां थी, ये खूबियां थी, ये तो था ही उनमें म्यूजिकल, ये और एक थे, ही वाज अ वेरी गुड फुटबॉलर। अच्छा अच्छा। और बहुत दुबले थे और बहुत शर्माते थे, मतलब ही नेवर यूज्ड टू शो हिज बॉडी। तो जस्ट इमेजिन गर्मी के मौसम में इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में फुटबॉल मैच चल रहा है, सब जर्सी पहन के सब खेल रहे हैं, एक आदमी ओवरकोट पहन के खेल रहा है फुटबॉल, एंड दैट वाज माय फादर। कैसा लगता है, विजुलाइज कीजिए, सब ड्रिबलिंग चल रहा है, एक आदमी ओवरकोट पहन के, कारण क्या है, नहीं, नोबडी टू सी माय बॉडी, दुबले थे एकदम। पर अलग ही, अलग ही मैं, क्या बात है। अच्छा जी, पुराने लोग घरों के नीचे खजाना दबा देते थे ना, सेफ रहता है। हमने सुना आपके घर के नीचे कार दबी हुई है, गाड़ी, दादा ये बात हमने सुनी है, पता नहीं सही है कि नहीं? बिल्कुल सही, हमारे जो बंगला है, बंगला है अभी, मतलब किशोर साहब का बंगला, उसमें नीचे हिज फर्स्ट क्या कहूं, जब वो हीरो बने जी, तो फर्स्ट ही ब्रॉट दैट कार, ही परचेस दैट कार, उन्होंने गाड़ी, मेरी मम्मी और दोनों मिलके ग्रीन कलर के, उस जमाने में 1949 ही ब्रॉट द कार, 49 50 में शादी हुई। अच्छा जी। वो गाड़ी 10-12 साल तक थी, मैंने गाड़ी देखा 61 तक, 59 तक देखा। अच्छा जी। ग्रीन कलर की वो गड़ी हुई है, मतलब इट इज बीनीथ द हाउस। तो वो क्यों गड़ी दादा? बिकॉज माय पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड द डे, दिस वाज माय फादर, द डे ही दे गॉट डिवोर्स, गाड़ी भी दफना दिया उन्होंने। ओह, दैट वाज माय फादर।
अच्छा किशोरदा की इतनी सारी हम लोगों ने बातें सुनी है, किससे सुनते रहते हैं। एक दादा हमने एक और बात सुनी थी, कहते कि किशोरदा को जब तक चेक नहीं मिल जाता था उनका ये किस्सा हमारे किसी दोस्त ने सुनाया था, बोलते थे कि वो ना जब भी रिकॉर्डिंग पे जाते थे, मैं अभी आपसे कंफर्म करूंगा, तो चाय मंगवाते थे। हाँ सही बात है। तो जब चाय मतलब होता था चेक, अच्छा कि चाय चाय लेके आओ। तो एक दिन बोलते वो चाय आ नहीं रही थी तो गा नहीं रहे थे, तो किसी ने बोला सर अपनी ही प्रोडक्शन है, तो फिर बोलते अच्छा अच्छा ये किस्सा सही है। अरे हाँ मैं हूँ मैं। ऐसा करते थे किशोरदा? हाँ हाँ हाँ। He was very particular about payment, तो क्यों नहीं भाई? नहीं बिल्कुल होना चाहिए। और उनके जो ड्राइवर कम सेक्रेटरी थे अब्दुल मुनाफ जी, अच्छा जी, वो चलती का नाम गाड़ी में आए थे एकदम एक्स्ट्रा के इसमें, उसके बाद धीरे 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 वो सेक्रेटरी बन गए। अच्छा जी। वही सब डील करते थे। मैं था वो रिकॉर्डिंग में, जोशीला फिल्म, देव साहब हीरो। अच्छा जी। उसमें गाना था किसका रास्ता देखे। तो वहाँ बैठे थे, रिहर्सल हो गया, तो अपने चौपड़ी में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और अंदर मिक्सर रूम में हम लोग बैठे, पंचमदा बैठे सब। देव साहब क्या हो रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है, किशोर क्यों नहीं टेक क्यों नहीं कर रहा है पंचम? एक मिनट में पूछता हूँ। दादा दादा हाँ बोलो पंचम, टेक करें क्या है? एक मिनट अब्दुल अब्दुल स्केल अब्दुल अब्दुल पैसा मिला क्या, जल्दी से बता दे। अब्दुल बोला मिल गया, चलो टेक करो। अब बारी है एक और गेस्ट को यहाँ पे बुलाने की, जो खुद भी किशोरदा के बहुत बड़े फैन है और आप सब इनके फैन है, वर्सेटाइल सिंगर एंड ग्रेट मिमिक्री आर्टिस्ट, द वन एंड ओनली सुदेश भोसले जी। दादा आपकी और अमित दादा की प्रॉब्लम है, एक हमारी आप ना आते ही ग्रैंड फिनाले कर देते हो। तो लास्ट में हमें सोचता नहीं हम क्या करवाएं। दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या डिमांड आ रही है पब्लिक की तरफ से है? सर क्या हो रहा है, दो महीने पहले ये भी आए थे जी, डेढ़ महीने पहले भी मैं भी आया था जी, दोबारा एक साथ आया, ऐसा लगता है हम दोनों की दो महीनों में दूसरी बार कोई फिल्म रिलीज हो रही प्रमोशन के लिए आया। और कपिल जी दिल से कहता हूँ, एक तो अपने शो में बुलाने के लिए आपका सोनी का बहुत बहुत शुक्रिया, सर हमारा सौभाग्य जी, और इतने बड़े कलाकार को जो ट्रिब्यूट है उस शो में आपने उनके बेटे के साथ मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। अरे सर, अरे 2007 या 8 में एक शो आया था सोनी टीवी पे, K4 किशोर। हाँ जी। तो आप दोनों ने उसको जज किया था। हम लोग दादा थे उस समय, आपने सोचा था एक दिन तक कपिल शर्मा शो आएगा और आप साथ में जाएंगे? सॉरी दादा मैं अभी नहीं 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 ये तो मैं 100% ये तो बोलूंगा मैं कि ये आपने जो हमको रिस्पेक्ट दिया दादा, मैं हमेशा सोचता था यार मुझे क्यों नहीं बुला रहे, मुझे क्यों नहीं बुला रहे, मेरे में क्या कमी है। दादा वो नहीं बोलते तो कैसे बोलते, क्या कमी है क्या? अरे क्या कमी है मुझ में जो मुझे बुलाया नहीं तुमने, कपिल है। हम तो भूल गए थे लोग, थैंक यू वेरी मच। अरे दादा आई लव यू दादा। सुदेश जी किशोरदा को अपना गुरु तो मानते ही हैं, लेकिन इनका सौभाग्य है कि इन्होंने उनके साथ बहुत काम भी किया है। तो दादा उनके साथ काम ही होता था, मस्ती बहुत होती होगी फिर तो किशोरदा के साथ। मतलब हम जब भी मतलब रिहर्सल्स करने जाते थे इनके बंगले पर, तो मेरा तो कुछ काम होता नहीं था, मैं तो एंकर था उनका। अच्छा जी। उनको जब थोड़ा सा चाय वाय पीने जाता थोड़ी सी मिमिक्री कर लेता था। हमारा जो ग्रुप था मेलेडी मेकर्स वो पूना से आता था। अच्छा जी। तो किशोरदा जैसे मैंने कहा कि 30 गानों की लिस्ट देते थे, वो बेचारे पूरा बायहाट करके पूना से मुंबई आते थे बंगले पे। अच्छा। तो रिहर्सल किसी और 30 गानों की करते थे। और जब स्टेज पे पहुंचते थे और कोई 30 गाने और फिर बोलते भी थे हम तो रिहर्सल करते ही नहीं। अच्छा दादा किशोरदा और बच्चन साहब का भी कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का था, जैसे शराबी के गाने जी। दादा कुछ बताइए ना उनके बारे में भी। तो शराबी का होगा ना, तो मैं जैसे आदत से मजबूर हूँ जी, तो गाना तो सिर्फ सुनाऊंगा नहीं जी, थोड़े बच्चन साहब आएंगे। अरे सर मजा आ रहा है। और उसके बाद थोड़े से मुंशी जी भी आएंगे। अच्छा। जी मुंशी जी मुंशी जी
हमारी जिंदगी का तंबू तीन बम्बों पे खड़ा है मुंशी जी। हमारी जिंदगी का तंबू तीन बम्बों पे खड़ा है, शायरी, शराब और आप। इन तीनों में से अगर एक बम्बू भी हिल गया तो हमारी जिंदगी का तंबू खड़ा जाएगा। आप ही कहते हैं ना मुंशी जी कि औरत जब तक मर्द की जिंदगी में ना आए, मर्द की बात में वजन पैदा नहीं होता। बात में वजन पैदा करते करते मुंशी जी हमारा वजन कम हो गया। अगर ये मोमबत्तियां बुझने से पहले वो नहीं आई तो मुंशी जी जिंदगी भर के लिए हमें मोमबत्तियों से नफरत हो जाएगी। लेकिन एक बात कही मुंशी जी, वो आएगी जरूर, वो जरूर आएगी। वाह 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 बेटे बेटी, वो आएगी जरूर जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए अपनी शायरी में थोड़ा दम लाओ, थोड़ा वजन लाओ। ये वजन मिलता कहाँ है मुंशी जी? दिल की दुकान पर, दिल की बाजार में बेटे। अगर वो नहीं आएगी बेटे तो ये आ जाएगी। अच्छा सुदेश जी, देखने में लगता है जैसे कि पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक टाइप के कोई सीईओ एमडी टाइप होंगे। ये गाते हैं तो एकदम से कलाकार इनका ऐसा निकलता था, क्या बात है, मजा आ गया। बढ़िया खेले करारी गजल। मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया एक आपने ओम प्रकाश जी को ये किया तो मुझे एक कहानी याद आ गया। एक जी जी प्लीज, गजक के ऊपर, गजक गजक तो ऐसा हुआ था बहुत साल पहले, ये एक फिल्म बनी थी नौकरी जिसमें पिताजी ने काम किया था, बिमल रॉय की। अच्छा, उसमें एक सीक्वेंस था जहाँ पे नौकरी ढूंढते हुए फिर सैड होके नौकरी मिलती नहीं है तो एक पार्क में आता है कलकत्ते में, शाम का वक्त है, नहीं सैड बैठे हुए वहाँ पे एक वो भेलपुरी वाला भेलपुरी बना रहा है फुचका और वो गाना गा रहा है, बढ़िया खाले करारी गजक। अच्छा, ये कैच लाइन था, बढ़िया खाले करारी गजक, बस ये दिमाग में घुस गया। अच्छा पिताजी अच्छा लगा उनको। फिर उनका जो ग्रुप था, ओम प्रकाश जी, सुंदर कॉमेडियन, हाँ जी, सी रामचंद्र म्यूजिक डायरेक्टर, और बी एन शर्मा रिकॉर्डिस्ट बॉम्बे लैब के, ये चारों का एक ग्रुप था, टाइम पास ग्रुप था। और पिताजी ने शुरू किया कि बढ़िया खाले करारी गजक, ये हम कहीं भी मिलेंगे किसी भी वक्त बोलना ही है। अच्छा, अगर नहीं बोलोगे तो 100 रुपया फाइन। कैसे समझ लो, कहीं सिग्नल में पिताजी आए तो अचानक यहां से ओम प्रकाश जी आए तो जो पहले देखा पिताजी ने देखा, बढ़िया खाले करारी गजक। ये तो ये चलता रहा, अभी करारी गजक चलता रहा, बढ़िया खाले करारी गजक, अगर नहीं बोलो तो 100 रुपया फाइन। अभी एक फिल्म बनी थी चाचा जिंदाबाद। अच्छा, ओम प्रकाश जी डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर हीरो थे बाबा। अभी उस वक्त पिताजी एज एन एक्टर ही वॉज सो बिजी, तो उनका शिफ्ट था, तीन तीन शिफ्ट करते थे, तो आर के स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे, तो वहां से फोन किया मोहन स्टूडियो में चाचा जिंदाबाद, बोला मैं 2 घंटा आ रहा हूँ, बढ़िया खाले। हाँ बढ़िया खाले, बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तू आ जा जल्दी आ जा। अब क्या हुआ, वहां से निकल पड़े पिताजी, और यहाँ पे बाय चांस वो नायगरा रिकॉर्डर होता है ना, वो खराब हो गया। अभी वो जो ओम प्रकाश जी यूनिट मेंबर्स को डांट रहे हैं अपने उस टाइम में, मैं ऐसा कर रहे हो, अब किशोर आएगा 2 घंटा मुझे दे रहा है और मेरा ये खराब हो गया है, अब क्या होगा। इतने में गाड़ी की एंट्री पिताजी की, अब पिताजी देख रहे हैं वहां पे ओम प्रकाश डांट रहे हैं यूनिट को, तो वहां से पिताजी बढ़िया खाले बढ़िया खाले करारी गजक, फिर डांटना शुरू किया।